व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं पकौड़े, आलू के पकौड़े। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, आइए देखते हैं। ये हमने लिए हैं 3 आलू, 5 टेबलस्पून हमने बेसन ले लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 4 मसाला, जीरा, नमक, लाल कुटी हुई मिर्चें, 2 चुटकी सोडा और 2 चुटकी हमने ले लिया चाइनीज सॉल्ट, ये रहा पानी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए इसके अंदर, बेसन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, मिक्स किया। ये देखिए जी, हमने सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। इसको आपने थोड़ा थिक थिक रखना है, ज्यादा जो है वो लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक थिक रखिएगा ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकौड़े फ्राई हों। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और इनको आप चाय के साथ खाएं शाम के वक्त, बहुत मज़ा आता है, बड़े ही मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं जी। हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी मज़ेदार लगे, अच्छी लगे, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई अगली रेसिपी आने वाली आपको फ़ौरन से मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।